और इसे जब आप हाथ में लेते हैं तो बहुत ही सॉलिड फील होता है, एकदम प्रीमियम लुक आता है इसका। स्वागत करता हूं आप सभी का, आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो ये थंबनेल में तो आपने देख लिया होगा, अमेजोन से मैंने कुछ ये प्रोडक्ट मंगाया है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये सेल्फी स्टिक भी है और ट्राईपॉड भी है। वैसे तो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, देखिए इसकी सील टूटी हुई है, बस मैं आपको दिखाना चाहता था कि किस तरीके के बॉक्स में आया था। तो मैंने सब कुछ इसका टेस्ट कर लिया, वैसे तो वो टेस्टिंग जो भी होगी पूरी जानकारी आपको दूंगा। पहले इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कुछ ये सेल्फी स्टिक है, इस टाइप की सेल्फी स्टिक है। तो चलिए इसके खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अब हम इसको ओपन करने जा रहे हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। तो खोल लेते हैं सबसे पहले से। तो इस तरह कुछ पैकिंग आई है इसकी, वैसे मैंने इसे पहले ही खोल लिया, मैंने आपको बता दिया था। इसके संग एक ये मिलता है मोबी लाइफ का, ये कार्ड मिलता है। जो भी दिक्कत हो आप इससे इस नंबर पे फ़ोन करके मतलब इंक्वायरी ले सकते हैं, कुछ पता कर सकते हैं। ये एक मैनुअल कार्ड मिलता है आपको, मेन्यू कार्ड। तो इसको साइड में फेंकते हैं, अपनी सेल्फी स्टिक देख लेते हैं। दिखाओ भाई सेल्फी स्टिक। तो ये देखिए काफ़ी हाइट इसकी काफ़ी लंबी है, एक्स्ट्रा लॉन्ग सेल्फी स्टिक है। ट्राईपॉड मतलब सेल्फी स्टिक का भी काम करेगा, ट्राईपॉड का भी। तो पहले मैं ट्राईपॉड ही लेना चाहता था, फिर मेरा मूड बदल गया। तो ये देखिए हाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, 1.56 मीटर की है, यानी करीब 5 फुट के करीब है। तो देखिए इनके कंधे तक आ रही है सेल्फी स्टिक। और जो इसका स्टैंड दे रखा है वो अम्ब्रेला स्टैंड है, और काफ़ी अच्छा स्टैंड है, इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। मैं नज़दीक जाके आपको दिखा देता हूँ। इसकी ग्रिप देखिए काफ़ी अच्छी ग्रिप है, और आपका ये स्टेबल रहेगा, हिलेगा नहीं, गिरने का डर नहीं है। बस जहाँ ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तो वहाँ पे आपको पूरा खोल के इसको नहीं रखना है, मोबाइल वगैरह या कैमरा लगा के ये गिर सकता है। कोई भी ट्राईपॉड हो गिरने का खतरा रहता है अगर तेज़ हवा चल रही हो, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमें एक ब्लूटूथ दे रखा है कनेक्ट करने के लिए, जिसे हम मोबाइल से कनेक्ट करके दूर से ही फ़ोटो या फिर वीडियो फ़ोटो खींच सकते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक क्लिप दे रखी है हमें मोबाइल के लिए, यहाँ पे आप मोबाइल फंसा सकते हैं। और इस साइड में आपको जो एंगल जहाँ जिस एंगल पे मोबाइल आप सेट कर लें, तो यहाँ से आप इसको घुमा के टाइट कर सकते हैं। तो अभी हम आपको मोबाइल लगा के दिखाते हैं। जब आप मोबाइल लगाएंगे दोस्तों तो इसको पीछे खींचना पड़ेगा, देखिए बड़ी आसानी से। तो मोबाइल लगा देते हैं इसमें, इस पर आपको फंसा देना है मोबाइल। हम दोस्तों इसे मोबाइल से कनेक्ट करेंगे ब्लूटूथ को, सबसे पहले इसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हमने निकाल लिया ब्लूटूथ, इसमें छोटा सा सेल डलता है, घड़ी वाला सेल। तो इसे कनेक्ट करेंगे, इसमें एक बत्ती होती है वो जल जाएगी, ग्रीन हो जाएगी जब आपको कनेक्ट होगा। देख लेते हैं कनेक्ट करके। तो ये देखिए लाइट जो है ब्लिंक करने लगी है, और ये जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस है कनेक्ट हो गया मोबाइल के साथ। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखिए दोस्तों हमने कैमरा स्टार्ट कर दिया, फ़ोटो खींचेंगे ब्लूटूथ से। ये ब्लूटूथ हमारे हाथ में है, ये देखिए फ़ोटो क्लिक हो रही है हमारी, और सेव भी हो गई। भाई दिखाओ फोटो जो सेव हो रही है, ताकि पता चल सके लोगों को। तो ये देखिए फ़ोटो खींच के हमारी सेव हो चुकी है। तो ब्लूटूथ से कनेक्ट करके अगर आप दूरी पर हैं तो बहुत आसानी से इस तरीके से फ़ोटो खींच सकते हैं। तो इसके अलावा आप वीडियो, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो वीडियो को भी अगर आप दूर से वीडियो बना रहे हो तो ब्लूटूथ की सहायता से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे, तो हम काफ़ी दूरी पे खड़े हैं तो इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी वीडियो स्टार्ट हो गई है बनना, ये देखिए सेव भी हो गई हमारी वीडियो बन के। तो दोस्तों आप जैसे वीडियो बनाना चाहें इसे बना सकते हैं, 360 पे रोटेट हो जाता है पूरा ये जो क्लिप है, जैसी मर्जी वीडियो बनाना चाहें आप बना सकते हैं।
तो अगर आप इसको दूसरी तरह सेट करना चाहते हैं, मगर जैसे कि आप किसी चीज़ की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं या फिर पेंटिंग कर रहे हैं या फिर मेहंदी का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप झुका करके अपनी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपका कुकिंग चैनल है उसके लिए भी ये बहुत बढ़िया सेल्फी स्टिक विथ ट्राइपॉड है। देखिए इस तरह झुका के दोस्तों, जैसे आप किसी की अनबॉक्सिंग करना चाहते हैं, आप मेहंदी डिज़ाइन सिखाते हैं, आपका कुकिंग चैनल है या फिर आपका पेंटिंग चैनल है, जो भी आप ओवरहेड कैमरे से शूट करना चाहते हैं वो इसमें बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो ये देखिए इसको आप नीचे झुका के टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन दे रखा है इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमने इसको टाइट कर लिया मोबाइल को सेट करके, और नीचे डब्बा रखा है जैसे हमें इसे इसकी अनबॉक्सिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने सेट करके इसको स्टार्ट कर दिया। आप मोबाइल में देख सकते हैं, तो देखिए कोई भी अनबॉक्सिंग दिखानी हो तो इस तरह आप दिखा सकते हैं नीचे से। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो बनके तैयार होगी। आप कुकिंग की वीडियो बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत अच्छी वीडियो बनके तैयार होगी। इसके स्टैंड को दोस्तों हम बंद करेंगे, बहुत आसान है इसे बंद करना। ऊपर से हल्का सा पुल कीजिए, बंद हो जाता है। तो अब हम इससे ब्लॉगिंग करके दिखाएंगे। अगर आपका ब्लॉगिंग चैनल है तो उसके लिए बेस्ट ट्राईपॉड है, यानी ट्राईपॉड सेल्फी स्टिक। दोस्तों देखिए हमने इसको सेटअप कर लिया ब्लॉगिंग के लिए, अभी दिखा देते हैं। आप ये देखिए, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए भी बढ़िया है, तो इस तरह आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अब हम इससे ड्रोन शूट करके देखते हैं, क्योंकि इससे ड्रोन शूट काफ़ी आसानी से शूट किया जा सकता है, रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। क्योंकि ये सेल्फी स्टिक और ट्राइपॉड काफ़ी लंबा है, इसलिए ड्रोन शूट बहुत बढ़िया बनेगा इसका। तो उसकी टेस्टिंग करके दिखाते हैं आपको। तो पहले हम स्टैंड को बंद कर देंगे और स्टिक को खोलेंगे पूरा। स्टिक को आपको खोल लेना है, जितनी इसकी हाइट है आप पूरा खोल दें इस तरीके से। और जिस भी चीज़ का आप ड्रोन शॉट बनाना चाहें इस तरह बना सकते हैं। दोस्तों मेरी छोटी सी कोशिश थी, जो भी टेस्टिंग करनी थी वो मैंने आपको करके दिखा दी। वैसे तो आपको पता ही है कि मेरा गार्डनिंग का चैनल है और मैं इस तरह की टेक वाली वीडियो डालता नहीं हूँ, लेकिन आप फिर भी आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं कभी कभार इस तरह की वीडियो भी डाल दिया करूँगा, ताकि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो अच्छी चीज़ की बुराई होती है, बुरी चीज़ की बुराई होती है, जो अच्छी चीज़ होती है मैं उसकी तारीफ करता हूँ। तो ये सेल्फी स्टिक है जो पूरी तरीके से तारीफ़ के काबिल है, ये मुझे बहुत पसंद आई। इसकी ग्रिप बहुत शानदार है दोस्तों, और इसे जब आप हाथ में लेते हैं तो बहुत ही सॉलिड फील होता है, एकदम प्रीमियम लुक आता है इसका। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेल्फी स्टिक है और ये एल्युमिनियम एलॉय से बनी हुई सेल्फी स्टिक है। दोस्तों अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है या फिर आप इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, नया चैनल खोलना चाहते हैं, तो आपको ट्राईपॉड लेना बेहद ही ज़रूरी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ट्राईपॉड ना लेके ये वाली सेल्फी स्टिक लीजिए, इस तरह की जिसमें ट्राईपॉड आता है, ये बहुत ही काम की है। क्योंकि रोज़ रोज़ आप किसी को हाथ में मोबाइल पकड़वा के उससे अपनी वीडियो शूट नहीं करवा सकते, कोई एक दिन पकड़ेगा, दो दिन पकड़ेगा, मतलब एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप अकेले पड़ जाएंगे, आपकी वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप आत्मनिर्भर बनिए, एक ट्राईपॉड या सेल्फी स्टिक ले लीजिए अपने बजट के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा कि यही लीजिए, उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जो है बिल्कुल भी सेकी हिलती भी नहीं आएगी और बिल्कुल स्टेबल फुटेज आएगी आपकी वीडियो की। इसकी अच्छी चीज़ और क्या लगी दोस्तों मुझे, इसकी हाइट काफ़ी है, इसकी हाइट करीब 5 फुट के करीब है। जैसे कि आप डांसिंग वगैरह की वीडियो बनाते हैं, दूर से रिकॉर्ड करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन के तैयार होगी। और इसे बैग में भी बहुत आसानी से आप कहीं भी ले जा सकते हैं और अपना ब्लॉग भी शूट कर सकते हैं, ब्लॉग भी इससे बहुत अच्छा बनेगा। वैसे तो दोस्तों मार्केट में आपको 250 से लेकर 500 के अंदर काफ़ी सेल्फी स्टिक मिल जाएंगी,
पर वो जो कहते हैं कि सस्ती चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो सस्ती जैसी होती है और महंगी चीज़ की जो क्वालिटी होती है वो महंगी जैसी होती है। आपने देखा होगा, आप जैसा जैसा पैसा लगाएंगे वैसी चीज़ आपको मिलेगी। तो ये दोस्तों हकीकत बात है बिल्कुल। तो जितना मैंने पैसा लगाया इस पर बिल्कुल इस हिसाब से पूरी तरीके से परफेक्ट सेल्फी स्टिक मिली है मुझे। तो इसका प्राइस बता देता हूँ मैं, इसका प्राइस है करीब 1700 रुपये प्राइस है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा 1700 रुपये प्राइस है इसका। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, अगर आपका बजट बनता है तो आप इस सेल्फी स्टिक को ज़रूर लीजिए, बहुत काम की सेल्फी स्टिक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।